सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमें इस फैक्ट्स में। अभी हाल ही में ही काफ़ी सारे लोग चौंक गए क्योंकि काफ़ी सारे BTS आर्मीज का ये कहना है कि BTS का जो हाल ही में बुसान का कॉन्सर्ट होने वाला है, जो कि BTS को एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, वो भी फ्री कॉन्सर्ट होने वाला है, वो कैंसिल हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं, काफ़ी सारे BTS आर्मी का ये भी कहना है। सो दोस्तों, वही हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या है इसके पीछे की स्टोरी और क्या सच में BTS का कॉन्सर्ट कैंसिल हो रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल में इस फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहेंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, ये जो फैक्ट है या फिर रूमर्स है, वही आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि BTS का कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जिसको अभी कुछ ही महीने बाकी है। सो दोस्तों, वही कॉन्सर्ट के लिए काफ़ी सारे BTS आर्मी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, मगर काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है। सो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक रूमर है कि BTS का कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ है, बट उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जी हाँ गाइस, ये फैक्ट है कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए हैं? सो दोस्तों, चेंजेस लोकेशन में हुआ है। जी हाँ गाइस, लोकेशन में चेंजेस हुआ है। जहाँ पर BTS का कॉन्सर्ट होने जा रहा था, वहाँ पर काफ़ी सारे BTS आर्मी को दिक्कतें हो रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा हद में कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो जो कॉन्सर्ट का स्टेडियम है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है साइज में, और वहाँ पर 1,10,000 आर्मी फिट नहीं हो पाएंगे, तो वो कॉन्सर्ट की लोकेशन को चेंज कर दिया जाए। और साथ ही साथ काफ़ी सारे BTS आर्मी की ये भी प्रॉब्लम्स थी और ये भी कंप्लेंट्स आई थी कि जहाँ पर वो कॉन्सर्ट होने वाला है, वहाँ पर जो होटल्स की टिकट है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग ब्लैक में सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सो इस वजह से वो लोकेशन को चेंज किया जाए। सो दोस्तों, वही लोकेशन हाई ब्लेव्स ने हाल ही में भी BTS आर्मी का कंप्लेंट सुनकर चेंज किया है। सो दोस्तों, हमें क्या मतलब वो कॉन्सर्ट कहीं भी हो, क्योंकि इंडियन BTS आर्मी ज़्यादातर तो अब लाइव स्ट्रीमिंग से ही देखेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि वो साउथ कोरिया में जाकर BTS का फ्री कॉन्सर्ट लाइव इंजॉय करेंगे BTS के साथ। बाकी आप सभी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना न भूलें, और अमेज़ फैक्ट्स की फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल अमेज़ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।